सीरिया की राजधानी दमिश्क में जमींदोज हुई ये बिल्डिंग इसराइल और ईरान के बीच एक नई जंग छिड़ने की बड़ी वजह बन सकती है। ईरान ने इजरायली हमले में जो गवाया उसकी भरपाई के लिए ईरान अब बदले की आग में जल रहा है। दरअसल हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक की थी। यह हमला ईरान की एम्बेसी के कॉम्प्लेक्स में हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने दावा किया कि इजरायल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों से हमले को अंजाम दिया। हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के 2 टॉप कमांडर और इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के 7 सदस्यों समेत 13 लोगों की मौत हुई है। इसमें सीरिया में ईरान के सबसे सीनियर अधिकारी मोहम्मद रेजा जाहेदी और उनके डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी शामिल हैं। हालांकि इसराइल ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले से गुस्साए ईरान ने बेहद ही तल्ख लहजे में इसराइल को बड़ी धमकी दे डाली। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि ईरान के पास इन हमलों का माकूल जवाब देने का पूरा अधिकार है। ये कब और कैसे होगा इसे हम खुद तय करेंगे। इसराइल को नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये पहली बार है जब इसराइल ने ईरानी दूतावास की आधिकारिक इमारत पर हमला किया है। रॉयटर्स के मुताबिक हमला इतना भीषण था कि दूतावास परिसर में एक इमारत समतल हो गई। अब समतल हो चुकी बिल्डिंग से बदले की नई इमारत खड़ी हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, ताज़ा घटनाक्रम इसराइल को ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा कर सकता है। लेकिन इस हमले ने अमेरिका को पसोपेश में डाल दिया है। इस हमले के बाद से अमेरिका में भी बेचैनी बढ़ सी गई है। ईरानी तेवरों को देखकर अमेरिका भी समझ गया है कि आने वाला समय मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने 2 टूक प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली हमले से खुद को अलग कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका फिलहाल ईरान से सीधी जंग की हालात में नहीं है, तो वहीं ईरान इस एयर स्ट्राइक के पीछे अमेरिका के हाथ के दावे से भी इनकार कर रहा है। ऐसे में हालिया खतरों को भांपते हुए अमेरिका का फिर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि सीरियाई राजधानी में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इसराइल के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को संदेश भेजकर अमेरिकी ठिकानों और बलों को निशाना नहीं बनाने का आग्रह किया है। साथ ही ये भी साफ किया कि घातक हवाई हमलों में अमेरिका शामिल नहीं था। Attack on the Iranian facility in Damascus. I was wondering, well, we know that the United States has sent messages to Iran saying that it was not involved, it had no idea of this operation. I was wondering how was the American message received? Was it accepted, do you think, considering that there are now a number of officials threatening retaliation? So I am not going to speak to how it might have been received. The Iranians can speak for themselves. I will just say that we made very clear to the Iranians that we had no involvement in this strike. We didn't know about it at the time. And we warned them not to use this as attack as a pretext to attack U.S. facilities or personnel. वहीं इजरायली स्ट्राइक पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल के सबसे बड़े समर्थक अमेरिका को उस आतंकवादी हमले पर जवाबदेह होना चाहिए जिसने सभी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किया है। साफ है कि ईरान अब बदले का मौका तलाश रहा है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि ईरान इस हमले को किस तरह से इजरायल का जवाब देता है।